गुड मॉर्निंग। आपने कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर कॉस्ट अकाउंट की ना थ्योरी बता दीजिए। तो मैंने सारे के सारे थ्योरी लिख दिया है एक जगह पे आपको। आप देखेंगे कि आपको थ्योरी जितने भी हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये सारा मेंशन कर दिया है। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है और गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल दूंगा और एप्लीकेशन पे भी डाल दिया है, दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। सर इस थ्योरी के अंदर क्या क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी को मैंने कर दिया है। आप समझ लीजिए कैसे थ्योरी करना। पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन, रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या है, कंट्रोलेबल, और इसकी थ्योरी की पहले ही पूरी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालें, उसके आंसर देखने के लिए आपको 10 ईयर के अंदर आंसर मिल जाएंगे। आप गूगल कर सकते हो, ये भी मिल जाएगा। तो ये सारे मीनिंग लिखना है। पहला पार्ट हमारे ये होता है मीनिंग लिखने का। दूसरे पार्ट में मैंने सभी के डिफरेंसेस बता दिए है। तो भाई साहब डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में मैंने क्या करना, डिफरेंसेस आप देखेंगे। डिफरेंस किसका है, तो डिफरेंस आपका फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 3 तारीख को आपका एग्जाम है, तो बच्चे थ्योरी पूछते हैं कौन सा करें, तो इन्हीं थ्योरी में से आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके बाद मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन बना दिया। आप देखोगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिस्टम, और सारी चीजें से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मतलब उसको ज्यादा पढ़ के वीडियो को लंबे नहीं करना चाहती। बाकी आपका बैच भी स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। और सारी डिटेल जानकारी आपको पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट में ये मैं बोलूँ कि आप सभी बच्चों का एक क्वेरी था कि सर मतलब कि जो पेपर है सॉल्व कर दो, आज शाम को आपको पेपर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।